नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। राजधानी लखनऊ में तहसील बख्शी का तालाब क्षेत्र के नगर पंचायत टोंजा के अधिशासी अधिकारी ने वार्ड नंबर 9 के सभा सद सुरेंद्र यादव से की अभद्रता। सुरेंद्र यादव ने बताया कि नगर पंचायत ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान सभी सभासद मीटिंग में मौजूद थे। वार्ड नंबर 9 के सभासद सुरेंद्र यादव ने अपने वार्ड नंबर 9 सफाई कर्मियों के बारे में बताना चाहा, तो नगर पंचायत टोंजा के अधिशासी अधिकारी गिरजेश वैश ने वार्ड नंबर 9 की सभासद सुरेंद्र यादव को जूतों से मारने की बात कही और बाहर भगा दिया। नगर पंचायत टोंजा के सभी सभासदों ने मिलकर इसकी तहरीर थाने पर दी और कार्यवाही करने की मांग की। साथ ही साथ यह भी कहा कि अधिशासी अधिकारी ने कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, हमारी बहुत ऊपर तक पहुँच है। सभासद वार्ड नंबर 9 के सुरेंद्र यादव ने तहरीर देकर आला अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार और सभी सभासदों ने मिलकर थाने पर दी तहरीर। नमस्कार, इस समय खड़े लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी थाना इटौंजा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत इटौंजा में हमारे साथ में वार्ड नंबर 9 के सभासद सुरेंद्र यादव जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? हम सुरेंद्र यादव लिखते हैं। किस पद पर हैं आप? हम सभासद हैं वार्ड नंबर 9 से। आपकी नगर पंचायत इटौंजा लगती है? नगर पंचायत इटौंजा, टाउन एरिया इटौंजा। क्या घटना आपके साथ आज हुई है बताइए। हम लोग सारे सभासदगण बैठक में गए थे, आज मीटिंग थी नगर पंचायत इटौंजा में जी, तो वहाँ पे बातें हो रही थी। बात आई एक, तो वो सभा हमने भी एक क्वेश्चन कहा उनसे, तो उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि आप यहाँ से बाहर जाइए, बाहर बात कर लीजिए। आपने कौन सा ऐसा क्वेश्चन रख दिया जो आपको अधिशासी अधिकारी ने बाहर जाने? सफाई के लेकर, हमने सफाई के लेकर कहा कि सफाई नहीं हो रही है सही। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा इस नगर पंचायत में, चाहे आप जहाँ जाएं, मुख्यमंत्री के पास जाएं चाहे इसके पास जाएं। अच्छा, ये किसने आपसे कहा कि आप कहीं भी जाइए, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे? अधिशासी अधिकारी गिरजेश वैश्य ने। क्या नाम लिखते हैं वो? गिरजेश वैश्य। गिरजेश वैश्य जी, उन्होंने आपसे ये कहा कि आप जाइए, हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, आप चाहे जहाँ भी जाएं। तो काफी सभासद लोग आपके साथ मौजूद होंगे? सारे सभासद मौजूद थे वहाँ। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम तो ये चाहेंगे कि ऐसे अधिकारी से क्या फायदा, ऐसे तो बगैर अधिकारी से बढ़िया है, क्योंकि ऐसा अधिकारी जो है हमको मिला है कि बातचीत का उसका जो है ढंग ही नहीं अच्छा है। वो बदतमीजी से बात करता, हमसे ही नहीं सारे सभासदों से वो बदतमीजी से बात कर चुका है। तो आप आला अधिकारियों से क्या मदद लेना चाह रहे हैं? हम आला अधिकारियों से ये मदद लेना चाहिए, इसका कार्यमुक्त किया जाए, इसको उचित समाधान करके इसको कार्यमुक्त किया जाए। अच्छा, यही आपकी मांग? जी जी जी। तो आपने, आपके साथ में जो बदतमीजी हुई है तो उसकी शिकायत भी लेकर नहीं गए होंगे आप? शिकायत लेकर के हम गए थे, विधायक जी के पास गए थे जी, और थाना इटौंजा गए। तो थाना इटौंजा पे क्या आपने तहरीर वगैरह भी दी? जी, तहरीर दी है इटौंजा पे। तहरीर दे जी, तहरीर देने वाले व्यक्ति आप ही हैं? जी हाँ जी। तो पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने कहा है कि हम डीएम साहब से बात करके इनके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। धन्यवाद सुरेंद्र यादव जी, केपीपीएन न्यूज चैनल से ब्रजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।